तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल नकुल प्रॉपर्टी में। तो देखिए आज की ये वीडियो, पहले सबसे पहले मैं बता दूं वीडियो में दिखाने वाला क्या हूं मैं आप लोगों के लिए। जिन लोगों का सपना है ग्रेटर नोएडा में बड़े साइज के प्लॉट लेकर कोठी बनाने का, देखिए मैं आपको 250 मीटर का कॉर्नर पार्क फेसिंग का प्लॉट इसमें दिखाने वाला हूँ, 200 मीटर का प्लॉट दिखाने वाला हूँ और 90 मीटर का ग्रीन बेल्ट फेसिंग करता हुआ मैं प्लॉट आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। तो आज की ये वीडियो प्लॉट पर निर्भर है, तो किस सेक्टर में है सेक्टर में भी चल के मैं दिखाऊंगा। ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं ग्रेटर नोएडा। देखिए आज है आपका 14 मार्च 2024, तो आज की डेट तक के जो रेट है वो आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है कि ये वीडियो आपके पास आने वाले 1 महीने बाद पहुंचे, 2 महीने बाद पहुंचे, 1 साल बाद पहुंचे, तब रेट या तो आपका रिवाइज हो चुके होंगे या आपका स्टेबल ही रहेंगे, या हो सकता है कम हो जाए प्रॉपर्टी में, लेकिन होता नहीं है, बहुत कम चांस होते हैं कि रेट कम हो जाए। तो चलिए मैं ग्राउंड पे जाके आपको ये प्लॉट, ये प्रॉपर्टी में दिखा देता हूँ। ग्रेटर नोएडा का ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ, जिसमें देखिए कॉमर्शियल और स्कूल दोनों चीज न्यू डेवलप हो रही है, और आपका ये चीजें अभी मैं वीडियो में आपको लाइव दिखाऊंगा ले जा करके कि स्कूल और कॉमर्शियल के लिए क्या क्या अथॉरिटी ने वहां पर प्लानिंग कर दी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 250 मीटर का प्लॉट। तो ये 250 मीटर, ये सेक्टर ओमिक्रॉन थर्ड है, सेक्टर को मैं पहले बता दूं, सेक्टर ओमिक्रॉन थर्ड में 250 मीटर का ये कॉर्नर का आप ये प्लॉट देख रहे हैं। तो कॉर्नर के प्लॉट पहले इसकी डायमेंशन की बात कर लेते हैं, 10x25 की इसकी डायमेंशन है, 10 मीटर फ्रंट 25 मीटर डेप्थ के साथ। और आप ये लोकलिटी देखिए, आस पास में इस तरीके से यहाँ पर घर भी बने हुए हैं, और पार्क के बिल्कुल सामने कॉर्नर वेस्ट फेसिंग, पार्क आपके बिल्कुल घर के सामने। तो जो रोड है इसकी, रोड की भी बात कर लेते हैं, दोनों तरफ आपका जो प्लॉट है दोनों तरफ इसके 9 मीटर के रोड है ये। तो 250 मीटर सेक्टर ओमिक्रॉन थर्ड में ये आपको प्लॉट यहाँ पर परचेज करने के लिए ऑप्शन है अवेलेबल, यहाँ पर आप मिल जाता है, सारी फैसिलिटी ओमिक्रॉन थर्ड में है। प्ले स्कूल पार्क के बिल्कुल दूसरे कोने पे आपके बच्चों के लिए यहाँ पर किड स्कूल भी ओमिक्रॉन थर्ड में मिलता है, तो प्ले स्कूल भी आप यहाँ पर बच्चों को भेज सकते हैं अपना प्ले स्कूल में। तो ओमिक्रॉन थर्ड के बाद मैं आपको दिखाता हूँ 200 मीटर का, ये भी ओमिक्रॉन थर्ड में है। इसकी डेप्थ की बात करें 200 मीटर के प्लॉट की, ये वाला प्लॉट 10x20 की डायमेंशन है इसकी, इसकी भी आपका वेस्ट फेसिंग है साउथ वेस्ट, और 12 मीटर रोड पर ये प्लॉट है। ये बिल्कुल 130 मीटर वाला रोड है, उसके सामने से रोड आता है 18 मीटर, यहीं पर आपका ये 200 मीटर का प्लॉट आपको ये परचेज करने के लिए मिल जाएगा सेक्टर ओमिक्रॉन थर्ड में। तो ओमिक्रॉन थर्ड के अभी सर्कल रेट रजिस्ट्री भी मैं आपका बताऊंगा, पहले आप ये लोकेशन देख लीजिए प्रॉपर्टी की। अब बात करें, देखिए इसकी लोकेलिटी तो आप देख ही रहे हैं, कितनी अच्छी सुंदर सुंदर यहाँ पर जो कोठियाँ घर लोगों ने बनाए हुए हैं, इन्हीं के बीच अथॉरिटी ने, आप ये देखिए स्कूल के लिए जो स्पेस है बच्चों को स्कूल के लिए, बसें तो आती हैं सेक्टर के अंदर ही अलग अलग पूरे ग्रेटर नोएडा से अलग अलग स्कूलों की, लेकिन ये पर्सनल स्कूल ओमिक्रॉन थर्ड का यहाँ पर बन रहा है, आपको बच्चों को बाहर नहीं भेजना स्कूल के लिए। ये कॉमर्शियल मार्केट भी यहाँ पर बन रही है, तो आने वाले टाइम में फंक्शनल आपको ये स्कूल आपको यहाँ पर ओमिक्रॉन थर्ड में फैसिलिटी के लिए मिलेगा, कॉमर्शियल आपको फैसिलिटी के लिए मिलेगा। अगर कॉमर्शियल की बात करें आपका अभी जो प्रजेंट में कॉमर्शियल है वो आपका बताता हूँ, पहले आप ये ग्रीनरी देख लीजिए ओमिक्रॉन थर्ड में, ग्रीनरी भी बड़ी अच्छी है, बड़ी सुंदर ग्रीनरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसका जो कॉमर्शियल की बात करें, मिक्सन की सोसाइटी एक तरफ है, पुलमेरिया गार्डन एक तरफ है, दोनों की कॉमर्शियल मार्केट बड़ी अच्छी है। लोटस वैली एक सोसाइटी इसके बैक में है, इसके बराबर में सेक्टर ओमिक्रॉन टू है, इसके इस तरफ पीछे एक तरफ सेक्टर MU1 है, ओमिक्रॉन थर्ड 130 मीटर पर ये बसता है। तो चलो 90 मीटर का ग्रीन बेल्ट और दिखा देता हूँ, ये आप देख रहे हैं 90 मीटर का ब्लॉक है, ये 90 मीटर में बने हुए हाउस है, यहाँ पर 6 मीटर की इनकी फ्रंट है और आपका 15 मीटर की डेप्थ है। तो 90 मीटर का ग्रीन बेल्ट फेसिंग करता हूँ मैं, आपको एक प्लॉट और दिखा देता हूँ। देखो ओमिक्रॉन थर्ड के बारे में थोड़ा सा और डीपली चले जाते हैं, 6% यहाँ पर इनका रजिस्ट्री चार्ज होता है, 1125 रुपये ट्रांसफर चार्ज होता है, 40,000 का यहाँ पर ओमिक्रॉन थर्ड में सर्कल रेट है जो अथॉरिटी का है। तो बाकी 90 मीटर ये अभी देख लेते हैं, उससे पहले ये ओमिक्रॉन थर्ड परी चौक से 6 किलोमीटर दूरी पर है, 130 मीटर हाईवे पर ये बिल्कुल बसता है, मेट्रो की लोकेशन 2 से 2.5 किलोमीटर ओमिक्रॉन थर्ड से पड़ती है। ये सारी चीज़ें कनेक्टिविटी हो गई आपका ओमिक्रॉन थर्ड की, कभी इसमें आपका पब्लिक कन्वेंस भी इजीली मिल जाते हैं सेक्टर के बाहर निकल के, सेक्टर के अंदर भी क्योंकि काफ़ी सारी प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं उनके मिलते हैं। तो यहाँ पर आप 90 मीटर का ये प्लॉट आप देखेंगे, ये 90 मीटर का प्लॉट है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट फेसिंग करता हुआ आप ये देख रहे हैं, ग्रीन बेल्ट ये फेसिंग है।
तो ग्रीन बेल्ट फेसिंग 90 मीटर भी आप ओमिक्रॉन थर्ड में ये परचेज कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है, इनको आप परचेज करने के लिए हमें दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बाकी और आपको सेक्टर के बारे में जानकारी अगर चाहिए हमें दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम आईडी जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस पर जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक आईडी पे हमारी आप जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सेक्टर के बारे में थी, बाकी क्वेरी के लिए आप कॉल कीजिए।